एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे। वो सब मिलकर मोदी आया, जबकि आरजेडी के लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते, चुन चुन करके इनको साफ करना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्ट चीज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लालू यादव पर खूब हमला बोला है। देखिए, जम्मू ही पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, तमाम नेता, इंडिया के बड़े नेता हैं वहाँ मौजूद थे। के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भीड़ आई थी, जो जनसैलाब जमुई में देखने को मिला, काफ़ी भीड़ थी, उसके सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जंगल राज बोल बोल कर खूब हमला बोला है। कितना फर्क बताया है। लालू प्रसाद भी बिहार की माटी के लाल हैं, नीतीश कुमार भी बिहार की माटी के लाल हैं, दोनों रेल मंत्री बने, लेकिन दोनों के शासनकाल में कितना फर्क रहा, बहुत फर्क रहा। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में कितना फर्क है, ये सभी बातें बताई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जंगल राज का वो दौर भूल तो नहीं गए, लोगों को सचेत किया है, चेताया है। देखिए, अब चुनावी समर है, 19 अप्रैल को जमुई में वोट डाले जाने हैं। जमुई, औरंगाबाद, नवादा, तमाम जगहों पर, गया में वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, जो मुख्य भाषण है, जो सीधा अपने विरोधियों पर अटैक कर रहे हैं, जिसमें वो सीधा अपने विरोधियों पर हमला बोलते हुए दिख रहे हैं, वो भाषण आपको सुनवाते हैं। बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की इस धरती ने आजादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दलदल से बाहर निकालकर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे, इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। एक बात और कभी भी भूलनी नहीं है, हमेशा हमेशा याद रखनी है। याद रखिए, और कोई भी गरीब मां का बेटा इसको भूल नहीं सकता है, कोई भी किसान का बेटा भूल नहीं सकता है, कोई भी आशा अपेक्षा का लेकर के जीने वाला नौजवान, मेहनत करके आगे आया हुआ नौजवान, उस बात को कभी भूल नहीं सकता। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा ले, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। गमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और जल्द ही ये ट्रेनें देश के हर रूट पर दौड़ती नजर आएगी।
जमुई के पुराने रेलवे स्टेशन की जो हालत है वो तो आप भलीभांति जानते हैं। अब जमुई का रेलवे स्टेशन भी आधुनिक बन रहा है। कुछ महीने पहले जब नए रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाई गई थी तो सब जगह उसकी चर्चा हुई थी। वो दिन दूर नहीं जब बिहार के बड़े रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट्स की तरह सुविधा युक्त होंगे। साथियों, अभी नीतीश बाबू बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं, भाई चिराग बता रहे थे कितने सारे काम हुए हैं, हमारे सम्राट जी बता रहे थे कितने सारे काम हुए, और मैं भी इतने सारे काम बता सकता हूं, शायद रात भर मीटिंग चलानी पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी भाइयों बहनों, ये मोदी है, मोदी की कुछ सोच ही अलग है। ये इतने सारे कामों की सूची बताई जाती है ना, ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो हमें देश को, बिहार को बहुत आगे लेकर के जाना है। आप मेरे साथ सहमत हैं? सहमत हैं? सहमत हैं? और आगे जाना है ना, बहुत आगे बढ़ना है ना, बिहार को भी बढ़ाना है ना, हिंदुस्तान को भी बढ़ाना है ना। आप मुझे बताइए साथियों, एक गमंडिया गठबंधन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्था बनती क्या? हो सकता क्या? आरजेडी कांग्रेस आपके हक के सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते कि हाँ पैसा मिल गया है। साथियों, आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। और इसलिए ये मोदी के खिलाफ अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। साथियों, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर स्तर पर से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? साथियों, ये कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई का विरोध कर रहे हैं? आप देखिए, एक तरफ एनडीए सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती है,
दूसरी बार ये लोग हैं जिनकी पहचान अपहरण उद्योग की रही है। एक तरफ एनडीए सरकार है जो सोलर पावर और एलईडी लाइट की बात करती है, दूसरी ओर एक गमंडिया गठबंधन वाले लोग बिहार को लालटेन युग में रखना चाहते हैं। हम नीतीश जी के सहयोग से बिहार में हाईवे और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जबकि आरजेडी ने बिहार को गड्ढे और खाई में धकेल दिया था। एनडीए सरकार गरीबों की उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड दे रही है, जबकि आरजेडी के लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। हम महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देते हैं, बेटियों को नए अवसर देते हैं, जबकि आरजेडी के लोग जंगल राज में बेटियों को सड़कों से उठा लिया जाता था। साथियों, हमारी सरकार में राम मंदिर का 500 वर्ष पुराना सपना पूरा हुआ। जबकि यही आरजेडी कांग्रेस ने राम मंदिर ना बने इसके लिए पूरी ताकत लगा दी थी। आज भी ये लोग राम मंदिर का उपहास उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। साथियों, कांग्रेस हो या आरजेडी, इन्होंने हर मौके पर बिहार और बिहारी गौरव का अपमान किया है। यही कांग्रेस और आरजेडी की जिसने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया था। अभी कुछ ही समय पहले हमारी सरकार ने बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, तब भी इन लोगों ने उसका विरोध किया। इन्हीं लोगों ने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का विरोध किया। कांग्रेस और आरजेडी ने आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति का चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। 19 अप्रैल को आपको इन गरीब विरोधी लोगों को अपने वोट से हराना है, चुन चुन करके इनको साफ करना है। करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। आपको मेरा एक और काम करना है, घर घर जाकर लोगों को बताएं मोदी जी आए थे, मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा है। तो भाषण का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों पर जमकर कटाक्ष किया है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में कितना अंतर है यह बताया है। आपने सुना है बिहार पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमुई की जनसभा में उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये बातें हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।